दोस्तों आज तक आपने भारत के बारे में बहुत कुछ पढ़ा होगा, लेकिन आज कुछ आप ऐसा देखने और सुनने वाले हो जो आपकी आंखों को और कानों को शॉक में डाल देगा। तो चलिए ट्रेलर के साथ शुरुआत करते हैं। क्या आप जानते हो कि इंडिया में पहला रॉकेट साइकिल पर लाया गया था? जी हाँ दोस्तों। और हाँ, क्या आप ये भी जानते हो कि भारत में लेह के निकट पर एक ऐसी जगह स्थित है जिसका मैग्नेटिक गुण इतना ज्यादा है कि ये गाड़ियों को अपनी ओर खींच लेती है? अगर आपका जवाब भी ना में है तो ये वीडियो खास आपके लिए है। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं विद द टाइटल 65 अमेजिंग फैक्ट्स अबाउट इंडिया। फैक्ट नंबर 1, लगभग 10 करोड़ वर्ष पहले भारत एक द्वीप था, लेकिन आज एक भारत कंट्री बन चुका है। फैक्ट नंबर 2, इंडिया नाम इंडस यानी सिंधु नदी से लिया गया था। फैक्ट नंबर 3, सिंधु घाटी सभ्यता दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता है, इसलिए भारत दुनिया की सबसे पुरानी, सबसे उन्नत और सतत सभ्यता मानी जाती है। फैक्ट नंबर 4, इंडिया का अपनी स्थापना के बाद से संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना मिशनों के लिए सबसे बड़ा दल योगदान रहा है। फैक्ट नंबर 5, भारत के पास चीन और अमेरिका के बाद दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी सक्रिय सेना है। फैक्ट नंबर 6, भारत के तिरुपति बालाजी मंदिर और काशी विश्वनाथ मंदिर में संयुक्त रूप से वेटिकन सिटी और मक्का की तुलना में अधिक लोग आते जाते रहते हैं। फैक्ट नंबर 7, हर 12 वर्ष बाद एक धार्मिक सभा कुंभ मेला भारत में होता है और कहा जाता है कि दुनिया में लोगों का सबसे बड़ा जमौड़ा यहाँ लगता है। फैक्ट नंबर 8, कुंभ मेले का जमौड़ा इतना बड़ा होता है कि इसको अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है। फैक्ट नंबर 9, दुनिया में किसी भी अन्य देश से अधिक मस्जिदें भारत में हैं। भारत में आसपास 3 लाख मस्जिदें हैं। फैक्ट नंबर 10, इंडोनेशिया पाकिस्तान के बाद दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी भारत में रहती है। इंडोनेशिया में 12.7%, पाकिस्तान में 11% और भारत में 10.9% आबादी रहती है। फैक्ट नंबर 11, तक्षशिला दुनिया का सबसे पहला विश्वविद्यालय है, इसमें लगभग 700 ईस्वी सन पूर्व को स्थापित हुआ था। फैक्ट नंबर 12, लखनऊ का सिटी मॉन्टेसरी स्कूल भारत में छात्रों के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा स्कूल है। यहाँ 45,000 से भी अधिक छात्र पढ़ते हैं। फैक्ट नंबर 13, भारतीय रेल 13 लाख से अधिक लोगों को रोजगार देती है और यह संख्या कई देशों की जनसंख्या से भी अधिक मानी जाती है। फैक्ट नंबर 14, 2014 के आम चुनाव में 54 करोड़ लोगों ने मतदान किया, जो कि कुछ देशों की जनसंख्या से भी अधिक है। फैक्ट नंबर 15, इंडिया में हर एक साल को एक जन्म का जो दर होता है वो ऑस्ट्रेलिया की कुल आबादी के बराबर है। फैक्ट नंबर 16, भारत दुनिया का सबसे बड़ा अंग्रेजी भाषा बोलने वाला देश है। फैक्ट नंबर 17, एक अनुमान है कि दुनिया की आबादी की कुल कर्मचारियों की संख्या का 25% आने वाले सालों में भारत की ओर से होगा। फैक्ट नंबर 18, इंडिया के पहले रॉकेट को साइकिल पर और उपग्रह को एक बैलगाड़ी पर लाया गया था। फैक्ट नंबर 19, बजट की कमी के बावजूद भी भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम दुनिया के 5 टाइटल अंतरिक्ष कार्यक्रमों में से एक है। फैक्ट नंबर 20, 2004 में 200 महिलाओं ने अपने ही हाथों में कानून ले लिया और सब्जी काटने वाले चाकू और मिर्च पाउडर और अन्य हथियारों से लैस होकर अदालत की मंजिल पर एक सीरियल बलात्कारी की हत्या कर दी। इस बलात्कारी को अदालत में लाया गया था, इसका नाम था अक्कू यादव। हर महिला ने अक्कू यादव की हत्या की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली थी। फैक्ट नंबर 21, लोनार झील महाराष्ट्र में एक खारे पानी का झील है जो पृथ्वी से टकराने के बाद एक उल्का के द्वारा बनाया गया था। फैक्ट नंबर 22, अंग्रेजी अभिनेता सर बेन किंग्सले के जन्म का नाम कृष्णा पंडित भांजी है और वह भारतीय मूल के है। फैक्ट नंबर 23, भारत के एक गांव में लोग पीढ़ियों से बिना दरवाजों के घरों में रह रहे हैं। ये गांव महाराष्ट्र में है और इसे शनि शिंगणापुर कहा जाता है। उसका मानना ये है कि जो भी उनके घर में चोरी करेगा उसको शनि देव भगवान का प्रकोप झेलना होगा और उसके पापों के लिए भुगतान भी करनी होगी। यही कारण है कि इस गांव में कोई भी पुलिस स्टेशन मौजूद नहीं है। फैक्ट नंबर 24, चुंबकीय हिल मैग्नेटिक हिल।
इंडिया में लेह के निकट स्थित एक गुरुत्व जगह है। इसका मैग्नेटिक गुण इतना ज्यादा है कि ये खड़ी गाड़ियों को अपनी ओर खींचता है और पास से गुजर रहे विमानों को उनकी ऊंचाई बढ़ने के लिए मजबूर कर देता है। फैक्ट नंबर 25, विश्वनाथ आनंद। विश्वनाथ आनंद को तो कौन नहीं जानता। विश्वनाथ आनंद शतरंज के इतिहास में पहले खिलाड़ी है जिन्होंने नॉकआउट टूर्नामेंट और मैच तीन अलग अलग स्वरूपों में विश्व चैंपियनशिप जीती है। फैक्ट नंबर 26, शतरंज की खोज भारत में हुई थी। फैक्ट नंबर 27, बटन भारत में आविष्कार किया गया। जी हाँ, आपके शर्ट का बटन। फैक्ट नंबर 28, रूलर का आविष्कार भी भारत में हुआ था। रूलर मतलब स्केल, पट्टी, जानते तो होंगे ना। फैक्ट नंबर 29, शैम्पू का आविष्कार भी भारत में हुआ था। फैक्ट नंबर 30, जीरो नंबर का आविष्कार भी भारत में हुआ था। फैक्ट नंबर 31, पाई की वैल्यू का आविष्कार भी भारत में हुआ था। फैक्ट नंबर 32, त्रिकोणमिति, बीजगणित और कलन का आविष्कार भी भारत में ही हुआ था। फैक्ट नंबर 33, मोतियाबिंद सर्जरी का आविष्कार भी भारत में ही हुआ था। फैक्ट नंबर 34, प्लास्टिक सर्जरी का आविष्कार भी भारत में ही हुआ था। फैक्ट नंबर 35, हीरे की खोज भारत में हुई। 1986 तक हीरा आधिकारिक तौर पर इंडिया में ही पाया जाता था। फैक्ट नंबर 36, चांद पर पानी की खोज भारतीयों ने ही की थी। फैक्ट नंबर 37, भारत में डॉल्फिन को पकड़ने पर प्रतिबंध मनाया गया है। फैक्ट नंबर 38, भारत की तकनीकी राजधानी यानी कि टेक्निकल राजधानी, टेक्निकल कैपिटल बंगलुरु में 2006 के बाद कार्यालयों की संख्या में 6 गुना से अधिक इजाफा हुआ है और अब सिंगापुर की तुलना से अधिक ग्रेड ए ग्रेड कार्यालय बेंगलोर में स्थित है। फैक्ट नंबर 39, भारत दुनिया में फिल्मों का सबसे बड़ा उत्पादक है। फैक्ट नंबर 40, भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश भी है। फैक्ट नंबर 41, भारत में हर वर्ष 32,719 हत्याएं होती है। इस आंकड़े से भारत दुनिया में हत्याओं के मामले में पहले नंबर पर है। फैक्ट नंबर 42, प्रदूषण से बचने के लिए पारसी धर्म के लोग अपने मृतकों के शव को जलाने या दफनाने की बजाय एक बिल्डिंग पर रख देते हैं जिनको गिधाड़ खा जाते हैं, जिससे कोई भी प्रदूषण नहीं फैलता। फैक्ट नंबर 43, कर्मनांसा नदी। कर्मनांसा नदी को भारत में शापित नदी माना जाता है। कहा जाता है कि जो भी इस नदी को छुएगा उसकी सभी योजनाएं फेल हो जाएगी। फैक्ट नंबर 44, दो प्रमुख धर्म बौद्ध और जैन धर्म इंडिया में ही स्थापित किए गए थे। फैक्ट नंबर 45, हिमाचल प्रदेश में चायल नामक स्थान पर दुनिया की उच्चतम क्रिकेट पिच है। यह समुद्र के स्तर से ऊपर 2,444 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। फैक्ट नंबर 46, मोहाली में भारत पाकिस्तान विश्व कप सेमीफाइनल मैच को दुनिया भर में 15 करोड़ से भी ज्यादा दर्शकों ने देखा था। फैक्ट नंबर 47, सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट का भगवान कहा जाता है, इसलिए अगर दुनिया भर में कोई भी सबसे अच्छा क्रिकेटर का अवार्ड होगा तो वो सचिन तेंदुलकर जी को ही दिया जाएगा। फैक्ट नंबर 48, दुनिया का प्रथम ग्रेनाइट मंदिर बृहदेश्वर मंदिर तमिलनाडु में स्थित है। यह केवल 5 साल में और 11वीं शताब्दी के दौरान बनाया गया था। फैक्ट नंबर 49, 17वीं सदी के आसपास भारत दुनिया के सबसे अमीर देशों में से एक था। फैक्ट नंबर 50, आज भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। फैक्ट नंबर 51, भारत सब पर कंप्यूटर बनाने में अमेरिका और जापान के बाद तीसरे स्थान पर आता है। फैक्ट नंबर 52, दुनिया की सबसे बड़ी सड़क नेटवर्क भारत में ही है। भारत भर में सड़कों ने 19 लाख मील की दूरी पर देश को कवर कर दिया है। फैक्ट नंबर 53, भारत में दुनिया के शाकाहारियों की सबसे बड़ी राशि है। फैक्ट नंबर 54, पिज्जा हट ने अपने पहला शाकाहारी रेस्टोरेंट भारत में ही खोला था। फैक्ट नंबर 55, KFC ने भारतीयों के लिए एक शाकाहारी मेनू लागू किया था लेकिन आजकल वो ज्यादा दिखाई में नहीं आता। फैक्ट नंबर 56, मैकडॉनल्ड ने भी पहला शाकाहारी रेस्टोरेंट भारत में ही खोला था। फैक्ट नंबर 57, चाय इंडिया का राष्ट्रीय पेय है। फैक्ट नंबर 58, भारत में आम का 1.2 मिलियन टन प्रति वर्ष यानी 80,000 नीली वेल के बराबर उत्पादन होता है। फैक्ट नंबर 59,
मेघालय राज्य पृथ्वी के सबसे अधिक बारिश वाला राज्य है और चेरापुंजी सबसे अधिक बारिश वाली जगह है। फैक्ट नंबर 60, भारत ने दुनिया को योग दिया जो कि 5000 वर्ष से भी अधिक पुराना है। फैक्ट नंबर 61, भूतपूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम के सम्मान में 26 मई को स्विट्जरलैंड में विज्ञान दिवस मनाया जाता है। इस दिन अब्दुल कलाम ने स्विट्जरलैंड का दौरा भी किया था। फैक्ट नंबर 62, मार्शल आर्ट सबसे पहले इंडिया में बनाया गया था। फैक्ट नंबर 63, दुनिया का सबसे बड़ा परिवार भारत में रहता है जिसमें एक आदमी, 39 पत्नियां और 94 बच्चे हैं। फैक्ट नंबर 64, इंडिया हथियारों का दुनिया का सबसे बड़ा आयातक माना जाता है। और दोस्तों, आज का हमारा लास्ट बट बेस्ट फैक्ट नंबर 65, इंडिया ने कभी किसी देश पर पहले आक्रमण या हमला आज तक नहीं किया है। अगर आपको हमारी ये मेहनती इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल SM मोटिवेशन एंड फैक्ट्स पर नए हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।